Namaskar. Welcome to my channel Fire Technology and Industrial Safety Studies. इस वीडियो में हम कंप्लीट रिस्क असेसमेंट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिस्क असेसमेंट का पार्ट 3 को लेकर डिस्कस करेंगे, यानी कि एक फुल कंप्लीट रिस्क असेसमेंट फॉर्म कैसे दिखने में होता है और क्या क्या उसमें है वो आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ। रिस्क असेसमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो ये वाला वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक बार प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो मेरा चैनल में है उसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो आइए देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद कैसे दिखने में होते हैं और कौन सा कॉलम में क्या क्या रहता है। तो पहला है नेम ऑफ द असेसर, जो रिस्क असेसमेंट फॉर्म को एसेस किया है उसमें मेरा नाम ही लिख दिया हो, टाइम लिख दो 12 AM व PM, बहुत कुछ आप लिख सकते, जो भी कुछ आप लिख सकते हैं। वर्क एरिया जैसे मैंने दिया हुआ ABC पेट्रोकेमिकल, डेट मैंने दिया हुआ 17/7/2020 और टास्क बिंग एसेस यानी कि जो काम के ऊपर मैंने रिस्क असेसमेंट बनाया है वो है वेल्डिंग ऑफ कंडेंसर ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम, यानी कि एक डिस्टिलेशन कॉलम का जो कंडेंसर है उसमें वेल्डिंग का काम चल रहा है, उसके बेसिस पे मैंने रिस्क असेसमेंट परफॉर्म किया हूँ। सो पहला रिस्क असेसमेंट, पहला जो हैजर्ड हम आइडेंटिफाई किए, व्हाट इज़ द हैजर्ड, डैमेज इलेक्ट्रिक वायर ऑफ वेल्डिंग मशीन, यानी कि जो वेल्डिंग मशीन में वेल्डिंग हो रहा है उसका इलेक्ट्रिक वायर डैमेज हुआ है। हु माइट बी हार्म्ड, कौन कौन हार्म हो सकता है, वर्कर्स, इंजीनियर, सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज एंड विजिटर्स। हाउ माइट पीपल बी हार्म्ड, पीपल विल गेट शॉक व्हेन देयर बॉडी पार्ट्स विल टच दैट पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर एंड दैट मे कॉज डेथ, यानी कि पीपल और जो वर्कर काम कर रहा है उन लोगों का इलेक्ट्रिक शॉक खाने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर उस बॉडी पार्ट्स में, अगर किसी भी तरह बॉडी पार्ट से वो इलेक्ट्रिक पार्ट का डैमेज पार्ट का अगर टच हो गया तो इलेक्ट्रिक शॉक खाने का चांसेस है। एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल में क्या लिख के रखा हुआ है, कॉशन साइन बोर्ड, यानी कि कॉशन साइन बोर्ड है कि यहाँ पर वेल्डिंग चल रहा है। रिस्क का वैल्यू देखिए, हम लाइवलीहुड का वैल्यू इधर 4 दिया हूँ, कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू दिया हूँ 5 और रिस्क असेसमेंट यानी कि रिस्क का वैल्यू आया है 4×5=20। एडिशनल कंट्रोल, ओल्ड इलेक्ट्रिक वायर शुड बी रिप्लेस बाई न्यू ऑन और प्रॉपर इंसुलेशन ऑफ दैट वायर इज रिक्वायर्ड, यानी कि एडिशनल कंट्रोल क्या लेना है रिस्क का वैल्यू कम करने के लिए, मैंने इधर लिया हूँ कि बोला हूँ ओल्ड इलेक्ट्रिक वायर जो है डैमेज इलेक्ट्रिक वायर उसको चेंज करके नया लेना है, या फिर उसी को अगर यूज़ करना है तो प्रॉपर इंसुलेशन कीजिए उसका। फिर मेरा लाइवलीहुड कम हो गया है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कम नहीं हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेस क्यों नहीं कम हुआ है, क्योंकि अगर फिर भी शॉक खाएगा तो जो कॉन्सिक्वेंसेस का वैल्यू पहले भी रहेगा वो भी सेम ही रहेगा, लाइवलीहुड का वैल्यू यानी कि चांसेस का वैल्यू कम हो गया। और इसके इधर रिस्क का वैल्यू लाइवलीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंसेज का वैल्यू, रिस्क का वैल्यू 5 है। एक्शन मॉनिटर्ड बाई होम, यानी कि एक्शन मॉनिटर्ड कौन किया है, साइट इंचार्ज। एक्शन मॉनिटर्ड बाई होम क्या करना है, स्टॉप वर्क एंड टेक इमीडिएट एक्शन। इसलिए अगर आप देखें तो पूरा मैंने भर दिया हूँ रिस्क असेसमेंट एक फॉर्म का, एक हैजर्ड जो मैंने आइडेंटिफाई है उसके हिसाब से। प्लीज़ एक बार रिस्क असेसमेंट 1 और पार्ट 2 का वीडियो एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। सो सेकंड मैंने हैजर्ड जो आइडेंटिफाई किया वो है वर्क एट हाइट विदाउट सेफ्टी बेल्ट, यानी कि कंडेंसर जो है डिस्टिलेशन कॉलम के ऊपर में वेल्डिंग चल रहा है वो सेफ्टी बेल्ट ना पहन के ही वो वेल्डिंग का काम कर रहा है। कौन कौन अफेक्टेड हो सकता है उसमें, वर्कर हु इज़ वर्किंग एट हाइट एंड एनी अदर वर्कर हु इज़ अंडर दैट पर्सन, यानी कि जो वर्कर काम कर रहा है उस वर्कर ऊपर से गिर के पड़ सकता है और ऊपर से गिर के उसका इंजुरी हो सकता है, और जो नीचे काम कर रहा है उस बंदे का उसका भी नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है, द वर्कर में फॉल फ्रॉम हाइट विच में कॉज फेटल इंजुरी और डेथ, यानी कि जो वर्कर हाइट में वेल्डिंग कर रहा है वो अगर नीचे गिरेगा तो उसका फेटल इंजरी और डेथ हो सकता है, और अगर वो किसी के ऊपर गिरेगा वो भी इंजर्ड हो सकता है। एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स के क्या क्या लेके रखा हुआ है, गार्डरेल्स आर प्रोवाइडेड, टो बोर्ड आर फिक्स प्रॉपरली, यानी कि गार्डरेल्स प्रोवाइड किया है और वहाँ पर टो बोर्ड जो है वो फिक्स्ड है प्रॉपरली। उसका लाइवलीहुड का मैंने वैल्यू दिया हुआ 4 और कॉन्सिक्वेंसेस का वैल्यू दिया हुआ 5 यानी कि डेथ। सो 5×4 इसका वैल्यू आया 20। क्या क्या एडिशनल मेजर्स हम लोग कंट्रोल मेजर लेके मतलब लेना है उसमें, सेफ्टी बेल्ट शुड बी प्रोवाइडेड, सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड होना चाहिए। एंकर पॉइंट ऑफ द सेफ्टी बेल्ट शुड बी फिक्स्ड प्रॉपरली, यानी कि सेफ्टी बेल्ट का जो एंकर पॉइंट है उसको सही से फिक्स करना होगा, ये मैंने एग्जिस्टिंग कंट्रोल में इन लोगों को सजेशन दिया हूँ।
लाइकलीहुड का वैल्यू कम हो गया, उसके बाद वन हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस का वैल्यू फाइव मैंने दिया हूँ उसका, कि अगर फिर भी नीचे गिरेगा तो डेथ ही होगा और फेटल इंजरी होगा, और मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस मेरे को मेजर्स करना होता है लाइकलीहुड कॉन्सिक्वेंस पे, तो इसलिए मैंने कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू पाँच ही रखा। तो फाइव इंटू फाइव रिस्क का वैल्यू है फाइव, और साइट इंजीनियर क्या मतलब कैसे मॉनिटर करना होगा, स्टॉप वर्क एंड टेक इमीडिएट एक्शन, क्योंकि रिस्क का वैल्यू इधर 20 है, तो इसीलिए स्टॉप वर्क एंड टेक इमीडिएट एक्शन। अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़, और एक बार मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क असेसमेंट का पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, क्योंकि वो अगर आप लोग नहीं देखोगे तो ये वाला वीडियो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये सब वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और ये सब वीडियो जो इंडस्ट्री पीपल है उसके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, तो प्लीज़ उन लोगों में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।